में बोल रहे हैं कि इफ 50% ऑफ अ रिएक्शन अकर्स इन 100 सेकंड, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? 100 सेकंड क्या है उसका? उसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड है 100 सेकंड इस रिएक्शन का, ठीक है। आप 75% रिएक्शन जो है वो अकर्स इन 200 सेकंड, इसका क्या मतलब है? अगले 100 सेकंड में वो जो 50% बची थी ना कॉन्सेंट्रेशन, उसकी 25% स्पेंड हो जाती है और 25% बचती है, तभी तो टोटल रिएक्शन कितनी हो गई 75%। इसका मतलब क्या है बच्चों कि टी हाफ जो है वो अभी भी 100 सेकंड है। इसका मतलब है कि जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है वो चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा कौन से ऑर्डर में होता है जब हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर, वो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो स्टेटमेंट देख के ही आप पहचान रहे हो कि इसका ऑर्डर फर्स्ट है, फिर भी आप रेट कॉन्स्टेंट की कैलकुलेशन कर लो अगर आपको डाउट है। तो उसकी पुट की वैल्यूज 2.303 अपॉन 100 क्या है टाइम, फिर लॉग 100 क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, 50% कंप्लीट हो गई तो 50 है ना, और आफ्टर 100 सेकंड तो लॉग 2 पुट करके आपने के की वैल्यू निकाली इतनी। फिर दूसरी रीडिंग्स लिए आपने 200 सेकंड के बाद, 100 और 25% बची रह गई थी, तो फिर भी ये रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर है। क्यों रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू सेम आने का मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन के लीनियरली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।